नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के एक तिहाई से 12 अधिक है, तीनों संख्याओं में अंतिम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब तीन संख्याएं हैं पहले तो, और दूसरा क्रमागत है, और फिर तीसरा विषम है। इन तीन शब्दों से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्याएं तीन हैं, क्रमागत हैं और विषम हैं। तो हम इनको मान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं एक्स होगी, अब विषम है तो दूसरी क्या होगी एक्स प्लस दो, और तीसरी होगी एक्स प्लस चार। ठीक है, ये हमने तीन संख्याएं मान ली हैं, पहली एक्स, दूसरी x प्लस दो और तीसरी x प्लस चार। अब लगातार तीन संख्याएं हैं तो जो उनका एवरेज होगा वह उनकी बीच वाली संख्या होगी, ये तो हमें पता है। अब उसने कहा है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो इसका औसत कितना है x प्लस दो, प्रथम संख्या के एक तिहाई से 12 अधिक है। अब पहली संख्या कितनी है x, इसका निकाल दिया एक तिहाई, और इससे 12 देखे तो हमने 12 यहां पर जोड़ दिया और इन दोनों को बराबर कर दिया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां x प्लस दो जीव करते हूं, ये हो जाएगा x अपॉन तीन प्लस 12, ये इस साइड आ जाएगा, तो x माइनस x बटे तीन, और जब 12 माइनस 2 यहां सॉल्व करेंगे 3x हो जाएगा, 3x में से 1x जाएगा, तो 2x बटे 3 बराबर 10, तो 2x बराबर 3 यहां चला जाएगा 30, तो x की वैल्यू कितनी निकल के जाएगी, x की वैल्यू निकल के जाएगी 15। जब x की वैल्यू निकल आई तो उसने कहा है कि तीनों संख्याओं में अंतिम संख्या ज्ञात करें, तो अंतिम संख्या क्या है हमारी, अंतिम संख्या है x प्लस 4, x की वैल्यू है 15, तो 15 प्लस 4 बराबर 19, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस प्रकार से हमें लगाना था, पहले तीन क्रमागत विषम संख्याएं हमने मान ली, अब जो उसने कहा था कि विषम संख्याओं का औसत, तो औसत तीन क्रमागत संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या, प्रथम संख्या के प्रथम संख्या थी x, एक तिहाई से 12 अधिक है, बस इसको हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू निकल आई। उसने पूछा था तीनों संख्याओं में अंतिम संख्या ज्ञात करें, तो अंतिम संख्या x प्लस 4 थी, तो 15 प्लस 4 बराबर 19, ऐसे हमारा इस प्रश्न का आंसर निकल के आ गया। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।